हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने टाइप ऑफ सपोर्ट्स टाइप ऑफ बीम्स टाइप ऑफ लोड्स के बारे में पढ़ा था आज हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के बारे में कि यदि उस पर पॉइंट लोड है तो किस तरह का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा

तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी तो चलिए शुरू करते हैं शेयर फोर्स एंड डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर एक सेंट्रल पॉइंट लोड लगा हुआ है डब्ल्यू का ये वेरी वेरी कॉमन केस एंड वेरी सिंपल केस की एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है डब्ल्यू का दैट इज कैपिटल डब्ल्यू पॉइंट लोड है तो देखिए आप मैं एक मिनट ऑन कर यस तो इससे आपको आसानी रहेगी समझने में कि ये पॉइंट लोड लगा हुआ है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ए एंड बी अब स्वाभाविक सी बात है कि यदि बीच पे पॉइंट लोड लगा है तो आधा सपोर्ट रिएक्शन जाएगी और आधी आ जाएगी डब्लू का आधा जो है याने w by यहां पर हो जाएगा और w by हो जाएगा जाएगा और ये कहने की बात यह, कि सपोर्ट क्या हो जाएंगी जितना टोटल लोड है उसका टोटलू बाई टू बी पर सपोर्ट रिएक्शन ऑफ ए दैट इज आर इज डब्ल्यू बाई टू एंड सपोर्ट रिएक्शन एट बी दैट इज आर बी इज W बाई टू एफ हमारा एफ एक्स क्या है जो shear force at X. हम अलग अलग ये एक्स का हम एक सेक्शन है अलग अलग सेक्शन पर शेयर फोर्स क्या होगा इसलिए FX बताया है एट तो अलग अलग पर moment, अलग अलग पर पर क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे ये बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है सो so, यदि ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था पुराने लेक्चर में भी आपको पता है कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड्स होते हैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जीरो होता है यानी इस पर कोई भी मूवमेंट नहीं आता है जब हमने बात की थी सपोर्ट रिएक्शंस की और टाइप ऑफ सपोर्ट्स की तब बताया था कि सिंपली सपोर्टेड एंड पर सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन हमको मिलती है वहां पर रोटेशन नहीं मिलता इसलिए बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है जीरो होता है इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि द एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो और वी कैन से दैट द वैल्यू इज जीरो एट ends of simply supported beam. So Mx, so RA into x. अब कहीं का भी अगर हमको x distance का वो लेना है तो क्या हो जाएगा? Support reaction into x. If x is equals to zero, तो M is equals to zero. Okay. At C, ये C वाला point क्या होगा? L by two, इसका आधा होगा. So w by two into L by two. So maximum bending moment कहाँ मिलेगा हमको? यहाँ पर मिलेगा. यहाँ पर दो वैल्यूज मिल रही है हमको शेयर फोर्स की एक तो क्या मिल जाएगी हमको w by two positive और w by two negative. Portion portion, मतलब positive और क्योंकि कुछ ऊपर रहेगा कुछ मतलब पर और दोनों values मिल रही है तो यहाँ मोमेंट क्या मिलेगा डब्ल्यू एल बाई फोर यहाँ बैंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट किया हुआ है कैसे आया मूवमेंट बेन्डिंग मूवमेंट क्या होता है फोर्स इंटू परपेन्डिकुलर डिस्टेंस तो C पर क्या है W बाई टू इंटू एल बाई टू सो W बाई टू इंटू एल बाई टू सी हो गया डब्लू एल बा एक बात यहां ध्यान रखना सिंपली सपोर्टेड बीम का बैंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमेशा पॉजिटिव रहेगा यदि आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है दैट मींस आपने कुछ गड़बड़ की है क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम हमेशा सैगिंग में बैंड होती है द बैंडिंग इज इन अंडर सैगिंग तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है यदि हॉगिंग होता तो वो नेगेटिव होता कभी भी वो हॉग नहीं होगा सैग ही होगा इस कारण से ये वाली वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव रहती है इसी तरह ये सिंपल सी एक प्रॉब्लम आपके सामने दी हुई थी अब हम बात करते हैं आगे कि शेयर फोर्स अगर हमको निकालना है तो शेयर फोर्स एक बार प्लस मैंने जैसा आपको बताया कि एक बार पॉजिटिव आएगा और एक बार नेगेटिव आएगा C से B तक कांस्टेंट है और A से C तक कांस्टेंट है सो so, यहाँ पर W बाई टू है तो यहाँ तक माइनस डब्लू बाई टू रहेगा और जैसे ही यहाँ पर एक प्लस का होगा W बाई टू नीचे की तरफ है और ये W बाई टू ऊपर की तरफ है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा प्लस डब्ल्यू बाई टू ये डब्ल्यू बाई टू ये और माइनस डब्ल्यू बाई टू ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ तो ये आपको क्लियर हो जाएगा अब यदि सिंपली सपोर्टेड बीम पर अगर यूडीएल लगा हुआ है यूडीएल यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यदि लगा हुआ है, तो क्या होगा इसका मैक्सिमम हो कितना हो गया? WL. पूरे में लगा हुआ है तो सपोर्ट रिएक्शन आर एवं कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी डब्ल्यू एल की तो WL तो ये क्या हो जाएगा सपोर्ट रिएक्शंस आधी आधी हो गई ओके okay? अब हम बात करें शेयर फोर्स की यदि मुझे किसी पर्टिकुलर एफ एक्स सेक्शन पर शेयर फोर्स निकालना है सो आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स ये इस सेक्शन पर उन्होंने निकाल के आपको बताया है तो ये डिस्टेंस क्या है x है सो डब्ल्यू एल बाई एक्स ये हमने एक इक्वेशन फर्म कर ली कि डब्ल्यू एल बाई ये इक्वेशन है इसमें एक्स की आप वैल्यू भरते जाइए एक्स बराबर जीरो इफ एक्स बराबर सपोर्ट रिएक्शन so के बराबर होगा बराबर है इफ एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू सो यहाँ पर जीरो डब्ल्यू एल बाई टू माइनस एल बाई टू सो ये क्या हो जाएगा जीरो तो देखिए सी पर शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो है इफ एक्स इज इक्वल टू एल तो एल कर दो डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल सो डब्ल्यू एल बाई टू आ जाएगा ये केवल फंडामेंटल समझने के लिए है यहाँ वापस चले ये याद रखिएगा अगर कोई आपसे पूछ पॉइंट लोड है क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू बेंडिंग की by 4 और की ओके okay? और सी uh, पर क्या होता है वैल्यू सी पर प्लस uh, का डब्ल्यू एल बाई टू भी होता है और माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू होता है अब आप कोई आपसे पूछता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लगा हुआ है

आपको समझना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और यहाँ पर आप देखिए और ये पूरा पॉजिटिव रहता है जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि शेयर फोर्स डायग्राम हमेशा पॉजिटिव और होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमेशा पॉजिटिव होता है ओके तो ये हो गई डब्ल्यू एल बाई टू और यहाँ पर अगर हम इसका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालें तो ये हो जाएगा डब्लू एल स्क् एट इस पॉइंट पर जहां पर शेयर फोर्स जीरो होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है तो अब अगर मैं सी पॉइंट पर निकालूं कि बेंडिंग मोमेंट एट सी तो डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू ओके इंटू माइनस अगर ये प्लस है इसको मैं प्लस ले रहा हूं तो ऊपर से लोड लगने वाला माइनस uh, minus होगा माइनस डब्ल्यू इंटू एल और ये कहा एक्ट करता है यूडीएल UDL जितने पर लग रहा है उसके आधे पर एक्ट करता है तो so, तो मिल जाएगा आपको square by 8। तो ये जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी देखिए यहाँ पर आगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात जो मैं आपसे कह रहा था वो यही है कि बेंडिंग मोमेंट एट सी यहाँ पर सी पर हमको निकालना है तो क्या होगा डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू ये माइनस डब्लू इंटू एल बाई टू ठीक है ओके डब्लू इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई टू वो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो गया सो so, ये यहाँ पर सॉल्व करते करते आपको डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू और ये आपका डब्ल्यू एल सॉल्व करेंगे आप तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी और सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है ये वैल्यू के साथ जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पॉइंट लोड्स की और आपके यूडीएल की तब आपको ये चीज क्लियर होगी ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है समझने के लिए है ना आप इसमें मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं कि आप जहां पर एक्स और डब्ल्यू है वहां पर आप कुछ वैल्यूज रखिए और उसको सॉल्व कीजिए तो ये सारा जो फार्मूला है आपको क्लियर हो जाएगा चलिए हम शुरू कर रहे हैं पॉइंट लोड की प्रॉब्लम पॉइंट लोड का प्रॉब्लम क्या कहता है हमको अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ सिक्स मीटर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ कितनी है सिक्स मीटर ये दिखाई दे रहा है सिक्स मीटर

फोर का ये दिखाई दे रहा है है है। है। है, ना? ये ये लग रहा इसके लिए आपको और uh, करना, है। ये problem है। फिर से क्या एक simply supported beam है, जिसके लेफ्ट एंड से टू मीटर पर थ्री किलो न्यूटन का फोर मीटर पर सिक्स किलो न्यूटन का पॉइंट uh, लोड लग रहा है टोटल स्पान जो है वो सिक्स किलोमीटर है इसका क्या निकालिए आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालिए ओके सबसे पहले हमको सबसे पहला पॉइंट होता है किसी भी बीम का आप सिंपली सपोर्टेड बीम या कंटिन्यूस बीम या फिक्स्ड बीम को जब भी हालांकि कंटिन्यूअस बीम और फिक्स्ड बीम अभी आपके सिलेबस में नहीं है

यदि ऊपर से आने वाला लोड ज़्यादा हो नीचे से जाने वाली रिएक्शन कम हो बीम सेटल हो जाएगी और यदि ऊपर से आने वाली लोड कुछ हो और नीचे से ज़्यादा रिएक्शन हो जाए जो कि संभव नहीं है तो क्या हो जाएगी बीम उछल जाएगी सुधा एज पर द थर्ड लॉ ऑफ़ न्यूटन एवरी एक्शन हैविंग एंड

तो चलिए कैलकुलेट करते हैं टेकिंग मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए अगर आप ए पर खड़े हो और मूवमेंट ले रहे हो आरबी ये जो सपोर्ट रिएक्शन है वो बी पर क्या होगी कि फोर्स सपोर्ट रिएक्शन क्या एक तरह का पॉइंट लोड है जो कि अपवर्ड लग रहा है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कितना हो गया आरबी इंटू सिक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू टू थ्री इंटू टू ये फोर्स अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो ये क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे और ये आप इसको नेगेटिव लेते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि अपोजिट साइन है ये डिपेंड करता है कि आपके साइन कन्वेंशंस क्या है यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं सो so ये क्या हो गया आरबी 6 और बाकी इक्वल्स uh, टू के इस तरफ आ गए 3 2 6 4 इसको सॉल्व किया आरबी 5 यदि RB 5 ले रहा है तो टोटल लोड प्लस रिएक्शन फोर की और आरबी पर आ रही है फाइव की सपोर्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में यदि आपने सपोर्ट रिएक्शंस गलत निकाली है फिर आपकी सारी प्रॉब्लम गलत होनी है क्योंकि जब सपोर्ट रिएक्शन आपने गलत निकाला है तो आपकी सारी लोड कैलकुलेन्स गलत आएंगी सारी मूवमेंट कैलकुलेशन गलत आएंगी ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट रिएक्शन सही निकले अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम की ओके यहाँ पर मैंने ये बनाए हुए हैं कि हम क्या मान के चलते हैं यदि आप राइट हैंड साइड के फोर्सेस ले रहे हैं तो नीचे आने वाला फोर्स पॉजिटिव है तो ऊपर आने वाला नेगेटिव होगा यदि आप सेक्शन के लेफ्ट हैंड के फोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो नीचे आने वाला फोर्स माइनस होगा और ऊपर है, हम चुके हैं पुराना वीडियो नहीं देखा है, वो मेरे चैनल पे पुराना लेक्चर देख लें और उनको ये पता चल जाएगा कि ये साइन कन्वेंशन हमने क्यों लिया है अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम शेयर फोर्स एट ए शेयर फोर्स एट ऊपर की तरफ जा रहा है हम

सी पर क्या है नीचे की तरफ एक थ्री न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो नीचे आने वाला क्या हो जाएगा माइनस तो यहाँ से ए से लेके तक 4 है और क्या आएगा शेयर फोर्स एट सी प्लस वन न्यूटन सी से लेकर डी तक फिर कॉन्स्टेंट है शेयर फोर्स बिटवीन सी एंड डी इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू कितना था यहाँ तक वन

सो शेयर फोर्स एट बी इज माइनस फाइव बिकॉज ये प्लस ले रहे हैं तो ये क्या होगा ऑटोमेटिकली माइनस होगा सो माइनस फाइव अब हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं पहले हम बेंडिंग मोमेंट की ओर बात कर ले उसके बाद हम शेयर फोर्स डायग्राम हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यूज हो गई है अब ड्रॉ कैसे किया वो हम बात करेंगे हम बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन करते हैं हम जानते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट एट ए जीरो बेंडिंग मूवमेंट एट बी इज आल्सो जीरो हमको बेंडिंग मोमेंट कहां कहां का निकालना है सी का और डी का ओके बेंडिंग मोमेंट एट सी हम यहां पर खड़े हुए हैं हम इस तरफ वाले ये वाले साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं कि ये क्लॉक जो जा रहा है ये पॉजिटिव है और ये एंटी क्लॉक जो जा रहा है वो निगेटिव है यदि आप बी ए पर खड़े होकर निकालोगे तो क्या होगा ये वाले साइन कन्वेंशन फॉलो होंगे

को ये इस तरह से घुमाएगा ये इस तरह क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन प्लस इंटू टू न्यूटन मीटर अब bending moment at D, एक फोर आर एन टू फोर इंटू फोर माइनस अब चूंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये कैसे घुमाएगा अपोजिट है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ये वाला सिंबल फॉलो होगा थ्री so तो so और टू माइनस थ्री कैसे टू फोर देखते फोर ये देखिए. टू सिक्स मैंने शेयर फोर्स निकाला ए पर फोर ओके प्लस फोर जैसा आप जानते हैं कि बेस लाइन से ये बेस लाइन है जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ऊपर ड्रॉ की जाती है और जो नेगेटिव वैल्यू है वो नीचे ड्रॉ की जाती है तो प्लस फोर ओके पॉइंट लोड है पॉइंट लोड को करने के लिए क्या लिया जाता है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पुराने वीडियो लेक्चर में अगर ये आपने नहीं देखा है तो आप पुराना वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा यहां से क्या है ये गया प्लस फोर ऊपर ए से लेके सी तक कांस्टेंट है कांस्टेंट है फिर जहां कहीं भी पॉइंट लोड लग रहा है वहां पर एक सडन ड्रॉप आता है ये याद रखिएगा यहाँ पर सी पर पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ पर एक सडन ड्रॉप आएगा ये सडन ड्रॉप जो है ये कितने का होगा थ्री का आ रहा है यहाँ पर सी पर क्या वैल्यूज थी वन तो so यहां से लेके यहाँ तक आप वन किलो न्यूटन का एक ड्रॉप लेंगे और उसके बाद ए सी से लेके डी तक आपका कांस्टेंट रहेगा वन और फिर जैसे आप डी पर आएंगे तो डी पर वैल्यू क्या थी माइनस यहां से आप सीधा नीचे आ जाएंगे ये हो जाएगा फाइव डी से लेके बी तक फिर कांस्टेंट रहेगा और जैसा मैंने कहा था ना कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे की ड्रॉप और नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ओर जाएगा तो ये इस तरह से जाके बी पॉइंट पर मिल जाएगा तो जितना पोर्शन ऊपर बना है ये पॉजिटिव है और जितना पोर्शन बेस लाइन के नीचे बना है ये निगेटिव है पॉइंट लोड में देख लीजिए यहां पर पॉइंट लोड लग रहा था तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कोई लोडिंग नहीं है तो कांस्टेंट लाइन यानी स्ट्रेट लाइन और जहां जहां पॉइंट लोड है वहां वहां ड्रॉप आ रहा है और इस तरह से हमने इसको बना हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बन गया अब हम बनाते हैं बेंडिंग बेंडिंग डायग्राम सो एट ए एंड बी इज जीरो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम का जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है तो यहां पर आप देखिए बेंडिंग मूवमेंट एट सी प्लस एट बैंडिंग मूवमेंट एट डी प्लस टेन यहां से ए से लेके सी तक कोई लोड नहीं है इनक्लाइंट स्ट्रेट लाइन सी से लेके डी तक कोई लोड नहीं है इनक्लाइंट स्ट्रेट लाइन डी से लेके बी तक कोई लोड नहीं है इनक्लाइंट स्ट्रेट लाइन इनको जोड़ जोड़ देंगे और ये वैल्यूज लिख देंगे इस तरह से ये बन जाएगा आपका क्या बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम यहाँ पर मैंने स्लाइड में बनाया है बहुत अच्छे से यहाँ तो केवल जिसमें आप वैल्यूज के साथ मैं एक्सप्लेन कर सकू इसलिए ये रखा था ये देखिए इस तरह से आपको बनाना है पहले एक आप मीम का डायग्राम बनाएंगे सपोर्ट रिएक्शन लिखेंगे और पॉजिटिव वैल्यूज को ऊपर बनाएंगे नेगेटिव वैल्यूज को नीचे बनाएंगे और जो पॉजिटिव लाइन से ऊपर है वहाँ पर करते है, वहाँ हैश करते हुए प्लस डायग्राम है ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है कब जब उस पर पॉइंट लोड लग रहा हो अब अगला जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो होगा ऐसा प्रॉब्लम जिस पर यूडीएल यूडीएल लग रहा हो ये देखिए लगा है बीच में कहीं भी यूडीएल इसको सॉल्व करने में और पॉइंट लोड को सॉल्व करने में थोड़ा सा अंतर है क्या अंतर है पॉइंट पॉइंट लोड लोड का टोटल उसी पर एक्ट करता रहता है जहां पर वो लग रहा है जहां पर वो लग रहा है यहां थ्री होगा यहां सिक्स होगा लेकिन यूडीएल में क्या होता है यू डी एल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पर किसी एक जगह तो एक्ट कर रहा होगा कोई भी लोड कहाँ एक्ट करता है उसकी सीजी पर एक्ट करता है उसकी सीजी कहां पर होती है जितनी भी डिस्टेंस पर लोड लग रहा है ये लाइन पर लगा है तो उस लाइन की सीजी कहा होगी उसके आधे पर होगी यानी कि जितनी डिस्टेंस पर वो लोड एक्ट कर रहा है उसका हाफ यानी कि एल बाई टू जितनी लेंथ पर लोड लग रहा है या जितनी लेंथ का लोड आप कंसीडर कर रहे हो उसके आधे पर उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है ये आपको जानना जरूरी है कहा पर एक्ट करता है l/2 पर जितनी भी लेंथ पर वो लोड लग रहा है उसके हाफ पर वो एक्ट करता है तो ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है इसको देखते हैं अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर कैरीज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड टू पॉइंट लोड्स एज शोन इन फिगर्स ड्रा द शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो ये क्या कह रहा है कि आपका 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है ठीक है ना इस पर ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है ठीक है ना यहाँ पर पॉइंट लोड नहीं है केवल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टेन का। इसलिए इसका हम पहले निकालेंगे सपोर्ट रिएक्शन तो क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट रिएक्शन विल बी आर ए सो आरबी इंटू एट ओके टेन कितने पर लग रहा है फोर पर लग रहा है टेन इंटू फोर ओके

ठीक है ना इस फिगर में कोई पॉइंट लोड नहीं लगा है केवल यूडीएल भर लगा हुआ है और हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ठीक है सो सपोर्ट रिएक्शन एट बी इज 120 120 और टोटल 8 8 आरबी इज इक्वल्स टू 120 सो आरबी इज इक्वल्स टू 120 बाय 8 तो so 15 आरबी हो गया 15 तो so आरए कितना होगा आरए प्लस आरबी इज इक्वल्स टू टोटल लोड तो टोटल लोड कितना 10 4 40 सो आरए इज इक्वल्स टू टोटल लोड ऑन बी माइनस आरबी क्योंकि आर ए प्लस आर बी बराबर टोटल लोड बीम के बराबर होना चाहिए सो so, टोटल लोड कितना है 10 4, 15, याने 25. याने है यानी यानी पर सपोर्ट रिएक्शन की और पर कितनी है 15 की चलिए शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं शेयर फोर्स एट बी अब मैं यहां से ये वाला एक प्रॉब्लम मैंने आपको इस एंड से सॉल्व करके बताई थी अब मैं एक प्रॉब्लम इस एंड से सॉल्व करके बता रहा हूँ शेयर फोर्स एट बी ऊपर की तरफ जा रहा है माइनस 15 माइनस 15 शेयर फोर्स एट डी बी से लेके डी तक कोई लोड नहीं है कांस्टेंट रहेगा तो माइनस 15 शेयर फोर्स एट सी अब मैं सी पर हूं आप यहां सी पर खड़े हो ये जहां पर ये मैंने इस तरह का कर्सर रख दिया है इस पॉइंट पर हो तो कैसे निकलेगा माइनस 15 ऊपर की तरफ जा रहा है ओके माइनस 15 और नीचे की तरफ कितना लोड आ रहा है टेन इंटू फोर टेन इंटू फोर टेन इंटू फोर फोर्टी माइनस फिफ्टीन कितना so, यहाँ तक कितना आ रहा है ट्वेंटी फाइव तो यहाँ तक भी कितना होगा ट्वेंटी बीच में कोई भी लोड नहीं है तो so, ये हो गई आपकी शेयर फोर्स कैलकुलेशन आई रिपीट अगेन एट बी सपोर्ट रिएक्शन आरबी के बराबर माइनस फिफ्टीन एट डी बी और डी के बीच में कोई लोड नहीं है तो जितना बी पर है उतना ही तक और ए पर भी कितना होगा कोई लोड नहीं है सी और ए के बीच में तो ट्वेंटी फाइव जो कि सपोर्ट रिएक्शन के बराबर है अब बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन की ए और बी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू रहेगी जीरो अब बेंडिंग मोमेंट एट डी मैं हूं यहां पर अब मैं ये वाले सिंबल्स फॉलो कर रहा हूं सो आर बी इंटू थ्री आर बी इंटू थ्री तो आर बी कितना फिफ्टीन इंटू थ्री 45 फाइव किलोमीटर मीटर ओके बेंडिंग मोमेंट एट सी सी पर क्या होगा आर बी इंटू सेवन आर बी माइनस टोटल लोड टेन इंटू बच्चे गलती यही करते हैं लोड बस लिख के अलग हो जाते हैं नहीं ये तो हुआ है टोटल लोड ये तो फोर्स है मूवमेंट क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से जहां तक का आप मूवमेंट ले रहे हो जिस सेक्शन का मूवमेंट ले रहे हो वहां तक की डिस्टेंस हम मूवमेंट ले रहे हैं सी तक का एक्ट कहा करेगा ये जो सी पर लग रहा है इसके आधे पर तो सी कितना है फोर तो इसके आधा कितना हो जाएगा फोर बाई तो ये इक्वेशन से बनेगा आपका फिफ्टीन इंटू सेवन फिफ्टीन इंटू सेवन एंड टेन इंटू फोर इंटू फोर बाई टू ट्वेंटी अभी तक आप सुनते आ रहे हो मैंने भी लिखा है कि बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी इज़ पर क्यों जीरो? आपने सॉल्व करके देखा है मैं आपको दिखाता okay? यानी कि, कि किस तरह से बेंड करेगा बीम को क्लॉकवाइज So, यहाँ पर मैंने माइनस ले रखा है so 10, 10 4, 10 4, कहां एक्ट करेगा? 4 2 पर और प्लस ये वाली डिस्टेंस तो आएगा इस तरह से हमने देखा जीरो हो जाता है आइए इसका शेयर फोर्स और मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं ए पर वैल्यू ट्वेंटी फाइव ए से सी तक कोई वैल्यू नहीं यानी कोई लोड नहीं

तो ये बन गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पर ई e पॉइंट बना है जहां पर वैल्यू शेयर फोर्स की जीरो है बेस पर ई पॉइंट इससे इससे ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव है नीचे है नीचे नेगेटिव नेगेटिव यानी में वैल्यू जीरो है जो पॉइंट पर शेयर फोर्स जीरो होता है उसी पॉइंट पर बेंडिंग वोमेंट की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं चलिए लेकिन पहले हम बनाते हैं हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ए से सी तक कोई नहीं है तो इनक्लाइंट स्ट्रेट लाइन 25 वाली वैल्यूज लगा दी हमने सी पर सी से लेकर डी तक क्या बनेगा एक पैराबोलिक कर्व ये दिखा लिखा हुआ भी है पैराबोलिक कर्व और फिर डी से लेकर बी तक कोई लोडिंग नहीं है इसलिए यहां पर क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन अब ये वाला कर्व जो हम बनाएंगे उसके लिए हमको एक मैक्सिमम पॉइंट की जरूरत पड़ेगी वो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ होगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा ई e पर तो e पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा ये हमें निकालना होगा और ये पॉइंट कहलाता है द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऐसा पॉइंट जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है क्योंकि उस पॉइंट पर शेयर फोर्स जीरो है तो ये देखिए आप ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम था मैंने इसमें से ये वाला पोर्शन कट कर लिया इतना ये इसलिए कट कर लिया इसमें आप दो तरह से ये डिस्टेंस निकाल सकते हो कि ये e पॉइंट पर जीरो हो कहां रहा है दो तरीके हैं या तो आप यहाँ पर एक लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई कर लीजिए तो सी और डी की डिस्टेंस आपको पता है सी और डी की डिस्टेंस कितनी है फोर मीटर है तो यदि आप इसको X मानते हैं तो ये फोर माइनस एक्स हो जाएगी और आप सिमिलर ट्रायंगल से इसको सॉल्व करेंगे एक दूसरा तरीका है कि आप द फोर्स सी इज ट्वेंटी किलो न्यूटन सी पर ट्वेंटी है पॉजिटिव और डी पर माइनस

इसमें वैल्यूज़ रख देंगे। FX पर वैल्यू वैल्यू है 25, तो हमको X की डिस्टेंस थ्री पॉइंट फाइव मीटर फ्रॉम ए ए से थ्री पॉइंट फाइव मीटर की डिस्टेंस पर शेयर फोर्स जो है वो है जीरो आ रहे उसी पॉइंट पर क्या होगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा सो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अब हमने ये मान लिया कि ये 3.5 पर जीरो है तो बेंडिंग मूवमेंट एट ई सो 25 इनटू 3.5 ओके माइनस 10 इनटू ये कितना बचेगा ये यहां से लेके यहां तक ई e पॉइंट जो था वो 3.5 है और ए से सी तक कितना है 1 तो ये सी से ई तक कितना बचेगा ये बचेगा आपका 3.5 माइनस यानी टू सो टेन इंटू टू पॉइंट इसको सॉल्व करेंगे आएगा आपका 56.25 और यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू है किसकी बेंडिंग मोमेंट की क्योंकि तो यहां पर E पर शेयर फोर्स जीरो है इसलिए E पर ही बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमको मैक्सिमम मिली और ये मैक्सिमम वैल्यू है 56.25 तो ये था एक प्रॉब्लम जिसमें हमने देखा कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड्स लगे हैं तो सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लगा है तो किस तरह से शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जो भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछिएगा और आई आई होप चीज आपको अब समझ में में होगी चलिए इस वीडियो लेक्चर इतना ही अगले वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसा प्रॉब्लम लेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का जिसमें दोनों तरह के लोड लग रहे होंगे पॉइंट लोड भी और यूडीएल भी तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिएगा कॉपी में नोट करिएगा और जो भी आपको डाउट हो पूछिएगा घर पे रहें सुरक्षित रहें और खूब पढ़ाई करें थैंक यू